बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अफजाल अरशद है। आज हम हुमस बनाने जा रहे हैं। हुमस चनों की एक पेस्ट है जिसको एक डिपिंग सॉस भी कहते हैं और खलीजी ममालक की एक मेन डिश है। इसको आज बनाने जा रहे हैं हम। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चनों की ज़रूरत है। ये आधा किलो चने मैंने रात को भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह फूल चुके हैं और नरम हो चुके हैं, क्योंकि इनको उबालना है। उबालना इस तरीके से कि ये बिल्कुल नरम हो जाएँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये अच्छी तरह अंदर तक गलें, और गलने के लिए ज़रूरी है कि इनको भिगोया जाए। अगर आप भिगोएंगे नहीं, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको डालना है एक कुकर के अंदर ताकि हम इनको उबाल सकें। आप चाहें तो उबले हुए चने भी ले सकते हैं, जो कि कैंस के अंदर मिल जाते हैं आपको, उससे भी हुमस बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर पानी इतना है कि ये चने अच्छी तरह अंदर डिप हो रहे हैं। इनको हम उबलने के लिए रखेंगे। 10 मिनट कुकर लगाएंगे तो आपके चने बेहतरीन उबल जाएंगे और अंदर तक नरम हो जाएंगे। और ये चने जो है ना, ये मोटे वाले लिए हैं मैंने, और ये देखें कि बिल्कुल चने मैश हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो ये छिलके हैं ना चनों के, ये बड़ा काम ख़राब करते हैं हुमस के अंदर। अगर आपने कभी पहले हुमस बनाया और वो प्रॉपर स्मूद नहीं बनता, उसकी वजह यही है कि ये जो चनों के छिलके हैं ना, ये अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हो पाते। थोड़ी सी इधर मेहनत कर लें कि ये चनों के छिलके अलग कर लें और चने बिल्कुल जो हैं इस तरह स्मूथ साफ़ सुथरे अलग कर लें, तो आपका हुमस बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा। हुमस बनाने के लिए चनों के अलावा जो सबसे अहम जुज़्व है वो तहीनी सॉस है। तहीनी सॉस बनती है तिलों से। सफ़ेद तिल आपने लेने हैं और इनसे हम अपनी होममेड तहीनी सॉस बनाने जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाने जा रहा हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आपने इस क्वान्टिटी को कम कर लेना है। मेरे पास इधर तकरीबन 250 ग्राम तिल हैं। इन तिलों को डाल लेना है एक पैन के अंदर और इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट किया है। ये मतलब गर्म हो जाएंगे, आपको फील होगी गर्मी, और एक साथ साथ एक खुशबू आने लग जाएगी और इनका कलर हल्का सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। इनको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो सॉस का कलर रेड हो जाएगा। फूड प्रोसेसर चाहिए या चॉपर चाहिए, उसके अंदर आपने ये तिल जो रोस्ट किए हैं ये डाल देने। तहीनी के लिए सिर्फ 2 ही इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं, एक तो तिल और दूसरे नंबर पर ऑयल चाहिए होता है। तिलों को चॉपर में डाल के आपने पहले इसको चलाना है ताकि इसका एक पाउडर सा बन जाए। तिल ग्राइंड होंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गीला गीला सा मिक्सचर हो जाएगा। अब इसके अंदर ऑयल जाएगा। तिलों का ये अगर तेल हो तो बहुत बेहतरीन है, अगर वो नहीं है तो आपने इसके अंदर डालना है कोई न्यूट्रल ऑयल हो जिसका कोई फ्लेवर ना हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल ले लें आप, या इसी तरह कोई वेजिटेबल ऑयल ले लें। मेरे पास भी ये वेजिटेबल ऑयल है। तकरीबन आपने इसके अंदर 5 टेबल स्पून ये ऑयल डालना है और इसको दोबारा से हम फिर ब्लेंड करना शुरू करेंगे। और इसके अंदर हम करेंगे इसकी इमल्सिफिकेशन ऑयल के साथ, तो फिर जो है हमारी तहीनी सॉस बनेगी। तिलों की पेस्ट या तहीनी बनाने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है सब्र, क्योंकि ब्लेंडर आपको चलाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। अब मैंने ऑयल डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ब्लेंड किया, और ये सॉस देखें इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी हो गई है। ये देखें, ये इसी तरह तहीनी सॉस जो है वो रनी कंसिस्टेंसी में होती है। ये देखिए, तिल जो है अपना तेल भी छोड़ देंगे, बाकी जो हमने ऑयल डाला है वो इमल्सिफाई हो जाएगा इसके अंदर, और ये इस तरह की सॉस बन जाएगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास तैयार हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चने जो है मैंने पके हुए चने आधा किलो तोल लिए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कप्स में कितने बनेंगे। एक कप तकरीबन, ये 4 कप चने बनेंगे उबले हुए। 6 टेबल स्पून तहीनी, 2, उसके अलावा इसके अंदर जाएंगे 2 जवे लहसुन के। लहसुन का हुमस के अंदर टेस्ट आता है तो उसके लिए लहसुन डाल रहे हैं, और साथ साथ इसके अंदर कुछ लीमों का रस हमने डालना है। तकरीबन 2 लीमों का रस डाल दें। आधा टीस्पून जाएगा इसमें नमक। अब इसको बंद करके ग्राइंड करेंगे। जैसे जैसे आप इसको ब्लेंड करेंगे ना, इसे हम इसके अंदर हमें थोड़े मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका जो कलर है ना, अभी ये येलोइश कलर है, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़। बर्फ़ डाल के आप इसको ब्लेंड करेंगे। इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, और इसको मैंने ब्लेंड किया है लेकिन ये अभी बिल्कुल स्मूथ नहीं है और हुमस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल। ऑयल डाल के इसको ब्लेंड करेंगे, साथ साथ छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के डालते हुए इसको ब्लेंड करना।
अब ये हुमस देखें कि ये स्मूद हो चुका है बिल्कुल, ये देखें। ये चने डालने के बाद और इसके अंदर बाकी जो अज्जा हमने डाले, तकरीबन इसको मैंने टोटल 12 से 14 मिनट के लिए ब्लेंड किया अच्छी तरह, और ये बिल्कुल स्मूद हो गया है। और इसके सेंटर में आपने ये चम्मच दबा के ना इसको इस तरह घुमाना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि ये हुमस साइडों पे निकलना शुरू हो जाएगा और इसके दरमियान में एक स्पेस बन जाएगी। इसके साथ तो मस्त है कि काफ़ी सारा ऑलिव ऑयल जाएगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो उसके ऊपर ऑलिव ऑयल की सर्विंग होती है, लाजमी होती है। तो इसके अंदर इस जो ये जो हमने स्पेस बनाई है इसके अंदर डालेंगे काफ़ी सारा ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर डालेंगे कुछ साबुत चने ताकि पता चले कि ये चनों का बना हुआ हुमस है। अब हुमस को और भी डिफरेंट तरीक़ों से सर्व किया जाता है, जैसे कि इसके ऊपर पेपरिका यूज़ किया जाता है। मेरे पास इधर पेपरिका है तो हम पेपरिका स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, उससे जो है ना इसकी लुक बहुत बेहतरीन आ जाती है। ये जो इसके रेड छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं पेपरिका के, ये रेसिपी हुमस की थी। और अगर आपको इसका कोई इससे भी टेस्टी वर्जन पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आएगा। आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।